बंबई के अंदर इस देश का जो सबसे अमीर आदमी है, बताते हैं उसका घर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे बना हुआ है। वहां की सरकार की हिम्मत नहीं है जो उसको कुछ कर दे। हमारी सरकार अगर वहां होती उसकी प्रॉपर्टी तोड़वा देती। वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनी है मुकेश अंबानी की एंटीलिया। मुस्लिमों को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल इस वीडियो में कह रहे हैं, कभी भी जरूरत पड़े आपको तन मन धन से केजरीवाल और दिल्ली सरकार पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के साथ है। बंबई के अंदर इस देश का जो सबसे अमीर आदमी है, बताते हैं उसका घर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर बना हुआ है। ये कहते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं। इसके बाद वो वहाँ मौजूद लोगों से पूछते हैं, मैं गलत तो नहीं कह रहा? केजरीवाल अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहते हैं कि वहाँ की सरकार में हिम्मत नहीं है जो उसको कुछ कर दे। हमारी सरकार अगर वहाँ होती तो उसकी प्रॉपर्टी तोड़वा देती। वक्फ बोर्ड को जब भी किसी चीज की जरूरत होगी, दिल्ली सरकार वक्फ बोर्ड के साथ है। वीडियो को भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने ट्विटर पर साझा किया है। वीडियो में केजरीवाल दर्शकों को संबोधित करते नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का जो वीडियो अभी वायरल हो रहा है, वो दरअसल 2019 का है। इस वीडियो में मुकेश अंबानी वक्फ बोर्ड की जमीन और एंटीलिया को तोड़वा देने वाली तानाशाही मानसिकता वाली बात अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। 3 साल पुरानी बात आखिर सोशल मीडिया पर अभी क्यों वायरल हो रही है? इसके पीछे वक्फ बोर्ड को लेकर चल रहा बवाल है। बात अगर मुकेश अंबानी के घर की करें तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनके निवास स्थान एंटीलिया को लेकर वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी किया था 2017 में ही। हाई कोर्ट ने वक्फ बोर्ड को अंबानी के घर पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा था। प्रॉपर्टी को गैर कानूनी तरीके से बेचने को लेकर दायर याचिका के बाद ये नोटिस जारी किया गया था। साल 2005 में ये प्रॉपर्टी अंबानी के स्वामित्व वाली कंपनी मफिन एंटीलिया कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड ने खरीदी थी। ये जमीन पहले करीम भाई इब्राहिम खोजा अनाथालय ट्रस्ट की थी, जिसमें अनाथ मुस्लिम बच्चों की मदद की जाती थी। इस मामले में इस याचिका के अलावा विभिन्न मुकदमे दायर किए गए हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल के इस वीडियो के वायरल होने से हड़कंप मचा हुआ है।